आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि यह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। जहाँ कुदरत का कानून होता है, वहाँ पर हमको अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है, हमको जीवन की वास्तविकता का पता चलता है, हमको सार्वभौम सत्य मिलता है। ये सब बात हम आपसे क्यों कर रहे हैं कि हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं। क्यों देते हैं कि जो आपके साथ में अभी टेम्परेरी सुख चल रहा है, धीरे धीरे वो परमानेंट सुख की नींव लग जावे और आप अल्टीमेट ब्लिस को प्राप्त हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं, स्वंजलन मोह। भाई और बहनों, मैं हमने आपको बताया कि मोहनीय कर्म सेनापति है। आठ कर्मों में जो चार घाती कर्म है, उसके अंदर सेनापति मोहनीय कर्म है। और ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय है, ये आत्मा की घात करते हैं और ये हर जन्म में अपडेट हो जाते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर अपडेट होता रहता है और कोई भी सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो सॉफ्टवेयर हर चीज़ को अपडेट ऑटोमेटिकली करता रहता है, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। तो कुल मिलाकर के ठीक उसी तरह से हमारा जो ये कुदरत, कुदरत रचना, कुदरत का कानून है, यह भी अपडेट के आधार पर चलता है। यानी ये जो घाती कर्म होते हैं, हमने जो पिछले जन्म के जो है इस जन्म में अपडेट हो गए, और इस जन्म के घाती कर्म है वो आगे जन्म में जाकर के अपडेट होकर के चलते हैं। अपडेट का मतलब होता है कर्मों की जो है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग और उसकी 10 प्रकृतियां होती है, जैसे उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण और आपके निकाचित और उदय, प्रारब्ध। तो ये सारे जो है ये स्थिति, ये सब अपडेट होती रहे। वो घाती कर्म प्योरली पाप है, प्योरली अशुभ है, शुभ का कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये तो आत्मा की ज्ञात करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म है वो हमारी आत्मा का जो केवल ज्ञान है उसके ऊपर पर्दा डालता है। दर्शनावरणीय है, केवल दर्शन का पर्दा डालता है। और मोहनीय कर्म जो है, जो अनंत सुख की धाम है आत्मा, उस पर पर्दा डाल देता है, वो हटते ही अनंत सुख हो जाता है। और जो अंतराय जो है वो हमारा अंतराय कर्म है, वो अंतराय डालता है, और अंतराय टूटने पर जो है हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत शक्ति जो है वो हमारे अंतराय टूटने से प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा जो है अपडेट चलता है घाती कर्मों। और अघाती कर्म का बिल्कुल रूल अलग है। अघाती कर्म शुभ और अशुभ होते हैं, वो पुण्य पाप से जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे कि एकता वेदनीय, वेदनीय के अंदर जो शुभ और अशुभ दो होते हैं। वेदनीय कर्म को जो है बताया गया है कि ये जो शहद की लगी हुई चाकू के समान है। शहद का लगा हुआ छुरी या चाकू जब हमारी जीभ पे लगाया जाता है तो वह मीठी मीठी जो है हमको शहद लगती है, लेकिन अगर थोड़ी तेज चल जावे छुरी तो जीभ कटने का डर रहता है। जीभ कटने का डर का मतलब असाता वेदनीय, जो मीठा मीठा लग रहा है वो साता वेदनीय। ये जो पुण्य और पाप के रूप में वेदनीय कर्म होते हैं, और ये जो अघाती कर्म होते हैं वो प्योरली शरीर से जुड़े होते हैं। हर जन्म में शरीर दूसरा आता है, हर जन्म के अंदर अघाती कर्म दूसरे आते हैं, लेकिन जो घाती कर्म होता है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है और वो घाती कर्म जो है वो दृष्टि का विषय है, वो दृष्टि ज्ञान का विषय है। ज्ञान के आते ही ये अगर ज्ञान की जो जो प्रतीति और जागृति लक्ष्य बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते ये तीनों ही वो हमारे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, और इन तीनों की अंतराय टूट जाती है, चारों टूट करके, और हम केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस जो मेन है वो हमारे एक शरीर का और एक आत्मा का डिफरेंस है। शरीर से जुड़े हुए जो है, पहले हमने बात की वेदनीय की, दूसरा आयुष्य है,
ना ये जो आयुष्य है नरक गति तिरंज गति मनुष्य गति देव गति इन चारों गति का आयुष्य बनता है और उसके अंदर जो हमारी देव गति मनुष्य गति वो शुभ होती है और नरक है तिरंज है ये अशुभ गति होती है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो पहला हो गया वेदनी आयुष्य और नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं, यानी वो हमारी गति जाति इंद्रिय वर्ण गंध रस स्पर्श और उनका शुभ होना अशुभ होना और यश मिलना अपयश मिलना वो सारा जो है वो हमारे वो इससे बना हुआ। और इसका मुख्य जो है हमारा नाम कर्म जो होता है मन वचन काया कि जो जो तीनों जो है ये योग है, उस योग के अंदर जो है वो कथनी करने का जितना अंतर होता है उसे अगर अंतर नहीं होता है तो ये शुभ बनते हैं, अंतर होता है तो अशुभ बनते हैं, इसका मुख्य कारण है। और जो वेदनीय कर्म होता है किसी भी प्राणी की घात करने उसको मारने से बनता है, उसको अशाता पहुंचने से बनता है। और तीसरा जो है गोत्र कर्म होता है जो हमें सोशल स्टेटस देता है वो अहंकार करने से, जैसे जो है जाति का मद है और ज्ञान का मद है और ऐश्वर्य का मद है तप का मद है, इन सब तरह के 8 मद करने से अगर हम मद करते हैं तो अशुभ गोत्र बनता है, मद नहीं करते हैं तो शुभ गोत्र बनता है। तो ये वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र ये चारों जो है ये हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, शरीर जुई और ये आयुष्य मुख्य होता है, आयुष्य समाप्त होता है उसके पहले पहले शरीर रहता है। तो ये चारों भोग लिए जाते हैं और नए शरीर में नए जो है अघाती कर्म होते हैं। पता नहीं अगला शरीर जो बिल्ली का मिलेगा मनुष्य का मिलेगा कौन सी गति का क्या मिलेगा, उसके अनुरूप ही घाती कर्म का अघाती कर्म का बंध होता है। लेकिन घाती कर्म तो अपडेट होते रहते हैं, इसीलिए घाती कर्म के लिए कहा जाता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म किस जन्म में उदय आए वो बात सही है, लेकिन क्योंकि वो अपडेट हो गए तो किसी भी जन्म का मान लो वह इसी जन्म के अंदर उदय में आता है तो दोनों तरफ से सही है कि पिछले जन्म का उदय चल रहा है या पिछले जन्मों का उदय चल रहा है, क्योंकि सारा अपडेट हो गया है इसीलिए वो दोनों बातें सही है। क्योंकि हमारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार कि जन्म जन्मांतर के जो कर्म उदय में आते हैं और कोई कहता है कि पूर्व जन्म का कर्म उदय में आया, दोनों बात एक ही है क्योंकि अपडेट होकर के उदय आते हैं और जो उनकी उनकी प्रकृतियां हैं उसके अंदर जाकर के ये मिलते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं। अपडेट को आपने पकड़ लिया तो सारा कन्फ्यूज़न मिट जाता है। तो भाई और बहनों हम जो संजलन मोह की बात कर रहे हैं ये बहुत हल्का मोह है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये पानी पे लकीर खींचने के समान, पानी पे आपने लकीर खींची और जो ही अंगुली हटाई ये वो तो लकीर मिट गई। यानी जो जो संजलन टाइप का व्यक्ति होता है वह एक ईश्वर का रूप ही होता है, उसके क्रोध मान माया लोभ बहुत शांत होते हैं। वह जो समता धारक होता है वह प्रज्ञा चक्षु होता है और वह जो है वो स्थित प्रज्ञ होता है गीता की भाषा के अंदर, कि जो संजलन मोह वाला होता है व्यक्ति है वो कभी अन्याय नहीं करता, गलत दिशा में नहीं जाता। और संजलन मोह की स्थिति कब होती है कि प्रज्ञा जागृत रहती है। देखिए प्रज्ञा जागृत हुए बिना हम संजलन की स्थिति नहीं जाते जा सकते। हमको ज्ञान कब मिलता है, जब अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय समाप्त हो जाता है, सिर्फ चरित्र मोहनीय रहता है जो कि जो डिस्चार्ज की तरह है, वो डिस्चार्ज जून जो हटता रहता, क्योंकि हमारा जब जो मूल जो कर्मों के बंधन का कारण जो है अनंतानुबंधी चला गया या दर्शन मोहनीय चला गया तो जब कर्मों का नए कर्मों का तो बंद नहीं होगा और लेकिन पुराने कर्म तो डिस्चार्ज चलते रहेंगे, वो तो प्रारब्ध और उदय के अधीन आ जाते हैं, मुख्य बात जो है वो समाप्त हो जाती है। देखिए कि हम प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति पे कर्जा चढ़ गया, अब उस कर्जे का रीपेमेंट करने के लिए किस्तों का रीपेमेंट करने के लिए फिर वो कर्जा लेता है, फिर उस कर्जे को जो है वो क्लीन करने के लिए फिर कर्जा लेता है। तो यानी ये कर्मों का बंधन तो जारी है लेकिन हमने जो नया कर्जा लेना बंद कर दिया, यानी हमें
हमने नए कर्म जो अनंतानुबंधी को क्षय कर दिया गुरु की कृपा से प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष से, तो वो क्षय हो गया, तो भीतर जो पड़ा है वो सारा डिस्चार्ज रूप में उसका शुद्ध करना, तो स्वंजलन मोह है डिस्चार्ज रूप में, वो तो एक जीता जागता भगवान है, और स्वंजलन मोह वाला जो है बहुत ही कम जन्मों के अंदर वो मुक्ति को जाने वाला होता है। क्योंकि जो मुख्य बात होती है, जो हमें मुक्ति में जाने को रोक रहा है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करने को रोक रहा है, हमको सम्यक दर्शन होने नहीं देता, वह चीज़ क्या है? वह है राग द्वेष, वह है कॉजल बॉडी, वह है लिंग शरीर, वह है कार्मण शरीर। जो मुख्य बात हमको दार्शनिक दर्शन के अंदर समझने की बात है, अध्यात्म में समझने की बात है, वह ये है कि हमारा राग द्वेष है वो किस तरीके से धुलता रहे, कम होता रहे, कम होता रहे, कम होता रहे, और धुल करके पूर्ण रूपेण जब धुल जाता तो संपूर्ण निर्जरा होती है। उस राग द्वेष के धुलने को हम निर्जरा कहते हैं। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर धर्म और एक निर्जरा धर्म। संवर साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। हमने संवर किया, संवर का अर्थ क्या हुआ कि हम किसी को दुख न दें, किसी के प्रति बुरे भाव न लाएं, किसी के प्रति जो हम ओपिनियन और अभिप्राय न दें, राग द्वेष को अंकुश में रहें, तो ये जो स्थिति जो होती है वो हमारे जो है ये मिश्र मोह है उसके शुद्धिकरण की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये जो मिश्र जो है वो मोह है, ये जो हमारा जो जो संजलन मोह है, ये बस मुक्ति के आसपास की स्थिति का ही होता है। और वो संजलन को प्राप्त हो गया, इसका मतलब आपका बहुत बड़ा जो है वो आपको स्थान मिल गया। इसलिए भाई और बहनों, अब हमें स्वंजलन मोह हो जाता है, या स्वंजलन मोह की स्थिति को प्राप्त कैसे किया जाता है, वो प्राप्त करने के लिए हमें जो मुख्य तीन जो है हमारे ज्ञानी पुरुष ने या सद्गुरु ने हमको तीन तरह की गिफ्ट दी है। पहली गिफ्ट तो ये दी उन्होंने कि प्रतीति करा दी हमारे में, 100% प्रतीति करा दी। रात के 12 बजे आपको कोई उठा के कहे कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज रूपी नामधारी देहधारी पैकिंग में रूप में हूँ, और रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? कि वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम उसका लक्षण है। वो जानता देखता क्या है? वो जानता देखता ये है कि ये शरीर रूपी जो पुतला है वो मन से क्या कर रहा है, वचन से क्या कर रहा है, काया से क्या कर रहा है, यानी उसका पूरा हमारा जितना भी जो पूरा जीवन भर चाल चलन है उसको चेक करने वाला, उसको देखने वाला, जानने वाला, हमारे भीतर जो हमारा प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, जो कि अशरीरी है, और वह तो सत्ता रूप में सिर्फ प्रज्ञा ही हमारे जागृत है, तो ये सब कुछ कराने वाली प्रज्ञा ही है। और प्रज्ञा अंतस्करण कहिए या प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, उसके माध्यम से ये कार्य करवाती है। तो कुल मिला करके हमारा जो सारा संचालन है, मन वचन काय की क्रिया का संचालन है, वो तो अंतस्करण के द्वारा ही होता है, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार होते हैं। लेकिन उसमें भी दो भाग होते हैं, एक तो हमारा जो जो कहना चाहिए कि हमारा भोग चल रहा है, यानी उदय और प्रारब्ध चल रहा है, हम उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते, ये दृष्टि विज्ञान है। जब हम उनके साथ तन्मयाकार नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं तो तन्मयाकार होते ही हैं। वो तन्वाकार हम सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण में शुद्ध भावों में आ जाते हैं, शुद्ध भावों में रमण करते हैं, हम तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के अंदर आ जाते हैं। तो शुद्ध भावों में आने का नाम, सेल्फ रियलाइजेशन करने का नाम जो है वो हमारा जो है वो एक दृष्टि विज्ञान है, और ये मुक्ति की ओर जाने का हमारा रास्ता हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है वो हमारी स्थिति, जब स्वंजलन की स्थिति आती है तो बहुत सुंदर स्थिति होती है।
इसका मतलब ये है कि आप बहुत मुक्ति के करीब हो, और जो व्यक्ति जो है दो तीन जिस भाव जिसके बाकी है उसका चिंतन फिर वैसा ही हो जाता है, वो आत्मरंजन में विश्वास करता है, मनोरंजन में विश्वास नहीं करता है। उसको एक ही हर वक्त के अंदर इच्छा रहती है कि मेरा जल्दी से जल्दी आत्मा शुद्ध हो जावे। आत्मा शुद्ध हो जावे इसका मतलब ये है कि जो अज्ञान है, जो दुख का कारण है, वो कारण धीरे धीरे मिटता जाए। वह कॉजल बॉडी है, वो लिंग सर, इसीलिए हमेशा मिस्र ये जो हमारा जो हमें जो जो मोह स्वंजलन मोह है, ये हमारा एक बैरोमीटर है, ये थर्मामीटर है। हम अपने आप को नापने लग जाते हैं कि हमारा मोहनीय कर्म कितना कम हो रहा है, हमारी कॉजल बॉडी कितनी घट रही है। मुख्य बात जो विवेचन करने की है, अनुभव में लाने की है, वह कॉजल बॉडी के घटने की है। और ये अनुभव में कब आएगा कि ये जो 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 ये घटना लगेगा, जो ही हमारी प्रतीति और हमारा लक्ष्य कहना चाहिए, वो हमारा रियल पुरुषार्थ कहना चाहिए, जागृति कहनी चाहिए, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और बाहर में हमारे जो कुछ भी घटित होता है उसमें हम स्थित प्रज्ञ की तरफ रहते हैं, यानी हम प्रभावित नहीं होते हैं। चाहे बड़ी से बड़ी कोई घटना घटित हो जाती है तो हम मान लेते हैं ये तो कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है, ये तो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत हुआ, मैं उसमें स्वतंत्र हूँ, मैं रोक नहीं सकता। और जब आपको सही ज्ञान मिल जाता है तो आप मन के अंदर हर तरीके से समझ जाते हैं। हो सकता है कि हमारे खुद के माता पिता का वियोग भी हो जाए इस स्थिति में, फिर भी हम उस ज्ञान के जो है भरोसे समझने लग जाते हैं कि हर जो है संजोग के साथ वियोग जुटा हुआ रहता है, और ये संजोग कुदरत जुटाती है, तो मैं तो उसमें स्वतंत्र हूँ, तो उनका संजोग मेरे साथ इतना ही था, इसी कारण से उनका वियोग हो गया और वो चले गए। तो दुख तो माता पिता का अपने होता ही है, लेकिन वो आर्थ ध्यान नहीं करता है। देखिए दुख और आर्थ ध्यान में फर्क है। आर्थ ध्यान में तो 24 घंटा व्यक्ति जो है वो कहना चाहिए कि वो डूबा रहता है दुख के अंदर, और वह जो है चिंतन दुख का ही करता रहता है। वो जो कहना चाहिए कि वो बहुत डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो हमारी ये स्थिति जो है ज्ञाता दृष्टा की हमें कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देती, क्योंकि इसके अंदर प्रज्ञा जागृत रहती है, प्रज्ञा हमको कभी भटकाती नहीं है, बुद्धि साइलेंट हो जाती। ज्ञान के बाद के अंदर ये बुद्धि को कह दिया जाता है कि ये बुद्धि बहन तो अपने ससुराल चली जा, पियर चली जा, तेरी अब कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा जीवन के अंदर बुद्धि का कम से कम उपयोग करें, प्रज्ञा का ज़्यादा करें। और प्रज्ञा का उपयोग हमारे कब होगा जब हम विवेक का उपयोग करेंगे। विवेक धम्म माइए, विवेक ही धर्म है। जब इस जो है हम सिस्टम के अंदर रखेंगे तो हम सोचने लग जाते हैं कि हमारी जो कॉमन सेंस है उसको अप्लाई करने लग जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब प्रज्ञा के जगत में होते हैं, जब पंडित में जगत के अंदर होते हैं, तो किस तरीके से हम अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बहुत बुजुर्ग जो है माताएं हैं, बुजुर्ग दादियां हैं, नानियां हैं, या हमारे पिता है, या बड़े बा हैं, या हमारे दादा, जो भी जीवित है, तो उनको जो है अब आप देखेंगे वे कौन सी स्कूल में पढ़े, उन्होंने कौन सा पीएचडी किया, कौन सा उन्होंने शास्त्र पढ़े। उनको तो पढ़ाई आती नहीं, वो तो साक्षर है, निरीक्षक है, परंतु वो इतने ऊँचे ऊँचे और अच्छे अच्छे जो है वो निर्णय लेते हैं कि शायद एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष भी जो है ज्ञान लिया हुआ जो है व्यक्ति विद्वान है वो ऐसा निर्णय नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की पढ़ाई लिखाई के पढ़े हुए जो विद्वान लोग हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक जो है वो पक्ष बहुत कमज़ोर होता है, इमोशन बहुत कमज़ोर होता है। तो मैं आपको उन ज्ञानी पुरुषों, उन जो है विद्वान लोगों की बात बताता हूँ, कहना चाहता हूँ कि एक विद्वान जो है क्यों सुसाइड करता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है क्यों रेप करता है, और जितने भी ये बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, ATM को तोड़ना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इतने आजकल जो है नए वैज्ञानिक जो है कार्य जो है अर्थ की दृष्टि से हो रहे हैं,
जो चाहे डाका डालने की दृष्टि से, चाहे व्यक्ति को ब्लेम करने की दृष्टि से, और किसी व्यक्ति के जो पैसे में से, जो है पासवर्ड में से करोड़ों रुपए उड़ा लेना, कितनी कितनी अनहोनी बातें आपको बतावें जो हमने कभी सुनी नहीं है। तो ये जो सारा कार्य होता है, ये जो वो करने वाला बुद्धि का दुरुपयोग करने वाला होता है, प्रज्ञा वाला और स्वंजलन मोह वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा, ये अनंतानुबंधी वाला करता है। और ज्ञान लेने के बाद में व्यक्ति समझने लग जाता है कि हमारे जो है ये काम मेरे काम का नहीं है, ये मुझे नुकसान देने वाला है, मुझे भवान्तर में भटकाने वाला, उसका तो एक ही लक्ष्य रहता है, स्वंजलन मोह की स्थिति आने पर मैं मुक्त कब से हो जाऊँ, मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊँ, ये भावना रहती है। भावना कैसे रहती, उदाहरण के तौर पे आपको बतावें कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर के समय में जो है वो उनके पिता द्रौपदी के, द्रुपद ने ये एक शर्त रखी कि जो है एक मछली ऊपर घूम रही है और नीचे एक जो है उसका कुंड बना हुआ है, उसके अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है घूमती हुई मछली का। अब कोई भी धनुर्धारी अगर नीचे पानी के अंदर बिंब के अंदर देख करके तीर को उल्टा रख करके और उस बिंब के सहारे से वो तीर चलावे और उस मछली की आँख को भेद दे, तो फिर उसके साथ द्रौपदी का स्वयंवर होगा। तो हमारी जागृति इतनी होनी चाहिए। तो जब अर्जुन को पूछा गया, पहले तो दूसरे जो है राजकुमारों को पूछा गया, तो हर एक ने ये कहा कि हमको तो पूरी मछली दिख रही है, घूमती हुई मछली दिख रही है और कुंड दिखाई दे रहा कोई तो। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे तो मात्र जो आँख बींदनी है, मुझे नीचे से जो है वो तीर चला के वो बींदी जाने वाली मात्र आँख दिख रही है। तो जब मैं ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर 100% प्रीति 24 आवर ये चलती रहती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कितना सुंदर कहा गया है कि जो भीतर प्रभु बैठा है, शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है, जो मूल रूप से तो मात्र शुद्ध होता है और उसकी हाजिरी से ही सब कुछ होगा। जिस दिन ये हंसा उड़ जाएगा, जिस दिन ये चला जाएगा, तो आपको जला दिया जाएगा। उसके अस्तित्व के पीछे ही तुम्हारा अस्तित्व है। मात्र तुम उन शुद्ध भावों में रहो, उसकी प्रतीति के साथ साथ में 24 घंटे लक्ष्य में रहो और वो लक्ष्य कराएगी प्रज्ञा। प्रज्ञा हमेशा आपको उस लक्ष्य की तरफ रखाएगी, क्योंकि वह उसी शुद्ध आत्मा की भाव सत्ता है। वो शुद्ध आत्मा तो अक्रिया है, करती कुछ नहीं है, लेकिन प्रज्ञा जो है अपनी अज्ञा से ही जो प्रतिष्ठित आत्मा भीतर है उससे उसका डायवर्शन करा देगी, उसको अज्ञा के खाते में नहीं जाने देगी। प्रज्ञा क्या करती है कि जब अज्ञा के वशीभूत हो जाते हैं तो जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, जो कि हमारे विचारों के द्वारा सारा भुगतान होता है, तो हम विचारों के साथ तन्मय आकार हो जाते हैं और हमारी प्रज्ञा है वो विचारों को बाईपास करने लग जाती है। बाईपास का मतलब है कि वो ज्ञाता दृष्टा बनने वाली प्रज्ञा है। तो हमारा स्वंजलन मोह है, हमें वो इतना हल्का होता है कि वो तो मुक्ति के आसपास की अवस्था आ जाती है, तो वो हमको जो है वो तन्मयाकार नहीं होने देता। हम जब है वो हमारा उदय और प्रारब्ध के साथ तन्मयाकार होते हैं, तो कॉजल बॉडी फिर कॉजल बॉडी को मल्टीप्लाई करती है, उसका घनत्व तो बढ़ाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ाती है, और हम उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते, विचारों को बाईपास करते रहते हैं और हम कहते हैं ये तो चलने दो, ये तो हो रहा है, ये तो मैं लेके आया हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। होने वाले पार्ट को हम मिस कर देते हैं, हम करने में लग जाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो और विषय भी इंटरेस्ट का है, क्योंकि ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला, समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से आपको
छुटकारा करने वाला ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पे आधारित है, ये सम्यक दर्शन पे आधारित है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप शतायु होकर अपने परिवार के साथ में समाज सेवा परोपकार करके करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल।